हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इधर देखिए, चावल लिया है पका हुआ, देखिए। और इधर लिया है चावल के आटा, तो हम चावल को पीस लेंगे मिक्सी में। तो इधर देखिए, डाल दिया है, पीस लिया है। और आज इनसे बहुत बढ़िया नाश्ता बनाएंगे, तो आप लोग चाहे नाश्ता कर सकते हैं सुबह की। तो इधर देखिए, पानी डाल दिया, तो ये चावल के आटा और चावल जो पिसा था उससे हम गोल तैयार करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से किया है, और कुछ नहीं, स्वाद अनुसार नमक डाला, और कुछ नहीं डालूँगी। और इधर देखिए, आलू लिया है, इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद इनको मैश कर लेंगे ग्लास से, क्या अभी आलू बहुत गर्म है इसलिए। तो ग्लास की मदद से मैंने मैश कर लिया है। इधर देखिए, कच्चा लौंका और प्याज और धनिया पत्ता काट लिया, अभी डाल दिया। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मसाला डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अच्छे से हाथों से मैश करेंगे, करके रख देंगे साइड पर। और इधर कढ़ाई रख दिया है, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी एक प्याज से कुछ इस तरह से करेंगे। और अभी देखिए, दे दूंगी। ढककर रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए। अभी देखिए, कुछ इस तरह से हुआ है, अभी उतार लेंगे। पक चुका है ये। और आई होप आज का रेसिपी आप सबको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इधर देखिए, जो आलू तैयार किया था वो डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे देखिएगा ज़रूर। तो इधर आलू डालेंगे, अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद इनको फोल्ड कर लेंगे। अभी इस साइड से करेंगे, और यकीन मानिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना है, और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। तो ये आप बच्चों को टिफ़िन पे दे सकते हैं, और आप लोग भी टिफ़िन पे ले सकते हैं ये। तो ये बहुत बढ़िया एक नाश्ता है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ऐसा नाश्ता। और प्लेट में निकाल लेंगे, तो जो दूसरी बनाई थी वो भी बना लिया है मैंने। तो एक एक करके ले लूँगी प्लेट पर। और ख़ास करके बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो बच्चों को, बच्चे तो हर चीज़ नहीं खाते बड़े की तरह। तो आप लोग ऐसे बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, और मेरी बेटी को बहुत पसंद आई तो इसलिए बोल रही हूँ। और इधर देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरे गला को क्या हो गया है, बैठ गया है गला। तो इधर देखिए, मैंने एक जापानी माछ लिया है, तो इनका झोल बनाएंगे। तो इधर देखिए, जापानी माछ लिया है, इसका छिलका उतार लेंगे। देखिए, ये मछली बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए, अभी इसको ऐसे कर लिया है, पीसेस करके काट लिया, छिलका उतार कर अच्छे से धोकर रख दिया है। अभी हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी कढ़ाई पर तेल डाल दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है।
और एक एक करके ये माछ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उतार लेंगे, फिर जो बचा था वो भी फ्राई करेंगे। और इधर देखिए चेरी टमाटर लिया है, और इनको आज प्याज काट कर झोल बनाएंगे। चेरी टमाटर और प्याज लहसुन डाल दिया है, लहसुन भी काट कर लिया है। और अभी हमारा जो प्याज है वो नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अभी मसाला सूखी मसाला डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए अभी थोड़ी पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इधर जो टमाटर दिया है, चेरी टमाटर, तो इधर देखिए टमाटर भी गल चुका है हमारा, सॉफ्ट हो चुका है। अभी थोड़ी ज़्यादा पानी डालेंगे, ये पानी डालकर ढक कर रख देंगे। और ये बना रही हूँ सहरी के लिए। और हमारा ईद का शॉपिंग नहीं हुआ है अभी तक, तो हम जाएंगे शॉपिंग पर, तो ब्लॉग बनाएंगे और क्या क्या लूँगी, क्या क्या लिया है आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी देखिए हो चुका है, मांस डाल दिया है, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दूँगी। अभी उतार लेंगे। इधर सहरी पर मैंने लिया है राइस और लिया है मांस का एक पीस। देखिए, और आज जाऊंगी ईद की शॉपिंग पर, तो एक ब्लॉग बनाऊंगी। ये ब्लॉग अभी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद आएगा। अभी मेरा और एक रेसिपी है वो डालूंगी। इधर देख सकते हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी, और इधर पत्ता गोभी की सब्ज़ी।